Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will be showing you how to make potato dhokla, which is a very healthy, delicious and easy breakfast. Let's make it, keep watching. पोटैटो ढोकला बनाने के लिए एक बैटर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पोटैटो दो मीडियम साइज के, जिसे टुकड़ों में कट कर लिया है, 6 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें, और अब इसे ग्राइंड कर ले। अब इसमें ऐड करें 1 कप सूजी, रवा, 1 कप गाढ़ा दही, 1 चम्मच नमक। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ऐड करें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। यहाँ पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल टाइम पे जब ढोकला बनाएंगे तभी डालना है। अब इसे रेस्ट करने के लिए 5 से 8 मिनट तक छोड़ दें। जिस भी बर्तन में आपको बनाना है उस पर तेल ग्रीस कर लें। आप चाहे तो यहाँ पे इडली का स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ टाइम टू ऐड बैटर। अब इसे स्टीम करने के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसमें एक स्टैंड रख दें और बेकिंग ट्रे को इस पर रख दें। अब इसे कवर कर दें 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। नाउ विद द हेल्प ऑफ टूथपिक यू कैन चेक कि ये अंदर से ठीक से पका है या नहीं। अगर नहीं पका है तो इसे थोड़ी देर के लिए और रख दें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद इसे डीमोल्ड कर लें और इसे टुकड़ों में कट कर लें। अब इसे तड़का देने के लिए एक पैन में ऐड करें तेल, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी राई, करी लीव्स। आप चाहे तो ये तड़का इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे थोड़ा क्रिस्पी करूँगी। सारे पीसेस इस पे डाल दें और 1 मिनट तक दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लें। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। होप यू वुड लाइक दिस रेसिपी। गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। सी यू सून विद अनदर वीडियो। अंटिल देन स्टे होम, स्टे हैप्पी, ऑलवेज मेक योर फूड।